नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मलेरिया बुखार की एक खास दवा है भुना नमक। बड़ा आश्चर्यजनक है ना यह सुनने में, परंतु मलेरिया बुखार चाहे कितनी भी गंभीर हो उसमें भुना नमक एक रामबाण इलाज है। जो कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, कितने समय तक प्रयोग करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और इसका प्रयोग करिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और ऐसे ही अनुभूत नुस्खे पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन आइकॉन घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे नए आगामी जादुई नुस्खे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, सादा खाने का नमक पिसा हुआ लेकर तवे पर धीमी आंच पर इतना उसको सेंकिए, इतना उसको गर्म करिए कि उसका रंग धुएं की तरह हो जाए, यानी कि काला भूरा कॉफी के समान हो जाए। ठंडा होने पर शीशी में भर लें। बस दवा तैयार है, जो कि मलेरिया, विषम ज्वर, एक तरह यानी एक दिन छोड़ एक दिन आने वाली बुखार के लिए, दो दिन छोड़ आने वाली बुखार के लिए और तीन दिन छोड़ आने वाली बुखार के लिए खास दवा है। फिर से सुन लीजिए, सादा खाने का नमक पिसा हुआ लेकर तवे पर धीमी आंच पर इतना सेके कि उसका रंग धुएं की तरह यानी कॉफी के समान या काला भूरा हो जाए। ठंडा होने पर एक शीशी में भर लें। बस दवा तैयार है, जो कि मलेरिया, विषम ज्वर, एक दिन छोड़ एक दिन आने वाली बुखार, दो दिन छोड़ आने वाली बुखार, तीन दिन छोड़ आने वाली बुखारों की ये खास दवा है। ज्वर यानी बुखार आने से पहले 6 ग्राम यानी एक चाय का चम्मच या एक चाय के चम्मच से अधिक मात्रा में नमक, ज्यादा हो जाए पर कम ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये एक चाय या एक चाय से अधिक, एक चाय की चम्मच या एक चाय की चम्मच से अधिक भुना नमक एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर लें तथा ज्वर उतर जाने पर भी 6 ग्राम भुना नमक गर्म पानी से सेवन करना जरूरी है। बस इन दो खुराकों के लेने मात्र से, एक खुराक आप सुबह ले लें और बुखार जब उतर जाए तो फिर से एक खुराक ले लीजिए, उसके बाद बस इन दो खुराकों के लेने मात्र से बुखार उतर जाएगा और फिर नहीं लौटेगा। अगर दूसरी बार बुखार फिर आ जाए तो भी यही प्रयोग किया जाए, तीसरी बार बुखार कतई नहीं आएगा, 100% सफल योग है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करिए, पूरा लाभ उठाइए, 100% सफल है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी मलेरिया से निजात पाने के लिए सस्ते सफल नुस्खे की जानकारी मिल सके और वो पूरी तरह ठीक हो सके इस फ्री की दवा से। तो मैं समझता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे इस वीडियोस को और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाइए ताकि आप एक भी मेरे जादुई नुस्खे वाले वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक पर मेरे वीडियोस को, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में भी इन्हें शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सफल रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।